रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना काल में जहां आपदा को अवसर में बदलने की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी व कई खबरें आपने सुनी होंगी, कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली से तब सामने आया जब रायबरेली के भाजपाई अपने धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि वृतांत हॉस्पिटल के खिलाफ भाजपाई आमरण अनशन पर बैठे हैं। शहर के बीचों बीच डिग्री कॉलेज चौराहे के सही चौक पर भाजपाई बैठे धरने पर। एक हफ्ते पहले जिला प्रशासन द्वारा वृतांत हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से नाराज भाजपाई बैठे अपने धरने पर। वृतांत हॉस्पिटल द्वारा कोविड के इलाज के नाम पर एक सप्ताह में 2-2 लाख का बिल वसूलने के साथ साथ तीमारदारों के शोषण का लग रहा है आरोप। वृतांत हॉस्पिटल क्या अब आपदा में अवसर तलाशने के जद्दोजहद में लगा हुआ है? आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहा भाजपाई ने। संतोष पांडे, जिला कार्य समिति सदस्य, पूर्व नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी रायबरेली। आज सही चौक डिग्री कॉलेज चौराहे पर वृतांत हॉस्पिटल ITI रायबरेली के द्वारा आम जनमानस से कोरोना के मरीजों से अवैध वसूली के खिलाफ हम लोग यहां 24 घंटे के आमरण अनशन, और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कल सुबह ठीक 10 बजे पेट्रोल डालकर यहीं पर आत्मदाह करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अभी पिछले मंगलवार को शासन से कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन वृतांत हॉस्पिटल की अवैध वसूली की जड़ें इतनी मजबूत हैं, आपस में 25 लाख रुपए रोज की अवैध वसूली की जा रही है। 1800 के इंजेक्शन को 25 हजार में बेचा जा रहा है। 6000-8000 रुपया रोज गाइडलाइन के हिसाब से, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से मरीज से पैसा लेना है, लेकिन 48000 रुपया रोज लिया जा रहा है। बिल भी है, सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, इसके बाद भी शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब मोटा पैसा, कमीशन का पैसा चारों तरफ बांटा जा रहा है, इसलिए खुली गुंडागर्दी की जा रही है रायबरेली की इस पावन धरती पर। गरीबों के साथ अन्याय न हो, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदनामी न हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के बदनामी न हो। गोल्डन कार्ड को उठा करके डॉक्टर फेंक देता है, कहता है इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसे बेकार है, इसे फेंक दो। इसलिए उन सबको आईना दिखाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, और विनम्र आग्रह करते हैं DM महोदय जी से कि ऐसे अवैध वसूली करने वाले वृतांत हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए।